हरदा की पुलिस लापता युवक को अरुणाचल प्रदेश से लेकर हरदा पहुंची है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के 14वीं राजपूत रेजिमेंट के जवान को यह लापता युवक मिला था। इस युवक की सेना के कैंप में रखकर देखभाल की जा रही थी। बताया गया कि हरदा जिले के ग्राम डाबिया का रहने वाला आदिवासी युवक संजय कुमरे विगत वर्ष लॉकडाउन लगने के दौरान लापता हो गया था। युवक संजय की मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। विगत 24 फरवरी को लापता युवक संजय अरुणाचल प्रदेश के चोंगलांग जिले की मियो तहसील में सैन्य सेवा कार्य के दौरान सेना के जवानों को दिखाई दिया था। कबाड़े की दुकान पर बैठे युवक ने युवक से चर्चा की तो उसने लिखकर बताया कि वह मध्य प्रदेश के हरदा जिले का रहने वाला है। युवक की सुरक्षा को खतरा देखकर 14वीं राजपूत रेजिमेंट के जवान सेना के कैंप में लेकर उसकी देखभाल के लिए लाए थे। युवक की माने तो सेना के जवानों ने उसकी देखभाल करते हुए साथ में बैठा कर खाना भी खिलाया। हरदा जिला प्रशासन को सूचना देने के बाद जिले से पुलिस बल परिजनों के साथ संजय को लेने अरुणाचल प्रदेश पहुंचा था, जहां सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में संजय को हरदा पुलिस सौंप दिए गए। बिंद ग्रहण के लिए हरदा से अर्जुन देवड़ा की रिपोर्ट। क्यों चले गए थे यहाँ पर? क्यों चले गए थे? सब अपने लोगों की तो हैं सर। वहाँ कैसा रखा था आपको? अच्छा रखा था। अच्छा लग रहा है यहाँ के? हाँ ठीक, अच्छा लग रहा है। क्या चल रहा है? म्याऊ गए हैं अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ सेना की जो है कंपनी काम कर रही थी, तो वहाँ पे जो इसको वो ये व्यक्ति संजय होंगे उन लोगों को दिखाई दिया। इसके पास कोई साधन नहीं था, ना कपड़े थे ना उसके खान पान का कोई साधन था, तो उन्होंने अपने कैंप में रखा। करीब 25-26 दिन तक उनके कैंप में रहा था। और इसने जब मेरी बात हुई संजय कुमरे से, तो उसने बताया कि मैं वहाँ पे जैसा उनका जीवन था सेना का, तो मैं उनके साथ रहता था और नियमित हो गया था। और इवन जो हमारे कॉन्स्टेबल और एएसआई को सर्च करने गए थे वहाँ पे, तो बता रहे थे कि पीटी परेड तक भी उनके साथ किया, तो ये उनके परिवार का सदस्य हो गया। और जब मैं लौटा है उससे मेरी चर्चा हुई, उसने बताया कि साहब मुझे वहाँ से आने का दुख है और मैं काम की तलाश में निकला था वहाँ, और कहीं ना कहीं काम नहीं मिल पाया, इसलिए वहाँ पहुँचा।